हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहाँ हम आप सभी तक रोज़ाना 4 से 5 ही यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की तरफ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आता है, उसका इन्फॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की तरफ से आए हुए एक नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसमें इन्होंने फैकल्टी पोजिशन पर जो स्पेशल रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है, जिसमें SC ST OBC EWS और PWD के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें यहां पर इनविटेशन दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। नोटिफिकेशन 22 जुलाई 2024 को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, जिसमें इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर पोस्ट मांगा है। जिन डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। वहीं अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में रिक्रूटमेंट मांगा गया है। बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में रिक्रूटमेंट मांगा गया है। केमिकल इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं केमिस्ट्री में, सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, डिज़ाइन में, अर्थक्विक इंजीनियरिंग में, अर्थ साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ह्यूमनिटीज़ एंड सोशल साइंस में, हाइड्रोलॉजी में, हाइड्रो एंड रीन्यूएबल एनर्जी में, मैनेजमेंट स्टडीज़ में, मैथमेटिक्स में, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में, पेपर टेक्नोलॉजी, पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैथमेटिक्स में, मेहता फैमिली स्कूल ऑफ डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट में, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी में, सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम में, सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर 17 सितंबर 2024 तक, यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने का टाइमिंग दिया गया है। तो अभी काफ़ी समय है फॉर्म अप्लाई करने में, आप जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर लें अगर आपका भी सब्जेक्ट इसमें दिए गए सब्जेक्ट से मैच कर रहा है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर Grade 1 और Grade 2 दोनों पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। Grade 1 के लिए एकेडमिक पे लेवल यहाँ पर 12 का रखा गया है, 101,500 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर Grade 2 के लिए जो पोस्ट मांगे जा रहे हैं, इसमें एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें 57,700 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट कर दी जाती है। यहाँ इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखे गए हैं कर दी जाती है यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखे गए हैं उसकी अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर Grade 1 के लिए PhD मांगा गया है। फर्स्ट क्लास में आप लोगों के पास PhD आपकी हो और साथ ही साथ 3 ईयर्स का आपके पास इंडस्ट्रियल रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस होने ज़रूरी है, तो आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर Grade 2 के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके पास PhD के साथ साथ फर्स्ट क्लास का या फिर उसके समकक्ष की आपके पास डिग्री हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इस नोटिफिकेशन में दिए गए इस लिंक पर जाकर जो अप्लाई का ऑप्शन है इसी अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आप एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है आप उस पर डायरेक्ट चले जाएंगे। यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर आप लोगों को इंक्वायरी करना है पोस्ट से संबंधित तो आप इनके इस ईमेल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस ईमेल आईडी के माध्यम से आपके सारे सवालों का सलूशन आपको यहां पर दिया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर परमानेंट सीट है जिसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं जो इस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो इनके लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर दें और इसका लास्ट डेट अभी काफ़ी समय है, तो आप पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड करें और दिए गए इंट्रैक्शन को अच्छे से समझ लें और उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस PDF का लिंक पा सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।